मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि नीचे से ऊपर सब लोग मौजूद हैं, भरे हुए हैं। अब आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग अपना मोबाइल से भी सब बात नोट कर रहा है। आजकल मोबाइल का दौर आ गया तो सब को आजकल देख रहे हैं, एक एक चीज को नोट करता हुआ देख रहे हैं। एक बार हम गिनती गिन करके उनको बनाए थे कि 30 लोग कर रहा है, तभी तो संख्या कुछ कम है, लेकिन फिर चलिए सब ये सब काम करते रहते हैं आप सब लोग। अब जो यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9469 पदों पर बहाली की गई है और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी आपको मिल रही है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको पूरी मजबूती के साथ काम करिएगा। और हमने जो फिगर आज तक जितना होता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी, इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी। सब लोग अपना दायित्व तो निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई, तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है, उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है, और कुल मिला करके पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई। और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिला के 37,410 के करीब, आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। तो अभी तो आप लोगों की चर्चा हमने की, जो 900 का बहाली 900 से अधिक का हो रहा है, उसके संदर्भ में कुल मिला करके दोनों तरफ से आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली का निर्णय। और यही नहीं, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर ये बात कही गई है, और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रखी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है। तो ये सारी बातें तो कही गई है, लेकिन इसके अलावा भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से, तो और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया, पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, ताकि तेजी से अगर हम लोग नई जगह पर लोगों को बहाली करनी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक आदमी उस सामने जो बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है, आपको तबीयत खराब है, ऐसे किए हुए ध्यान तो नहीं सुन रहे हैं, जिनका मुंह खुलता है उनको देख लेते समझ आप अफसर है, मुंह खुला हुआ, मुंह मत खोल के रखिए, पूरे तौर पर सबका बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा बात नहीं ध्यान से सुनिए, लेकिन जनता का बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना, इस बात का ख्याल रखिएगा।
और जब यहाँ पर बैठे हुए हैं अब मुंह फूल रहा, इसका मतलब है कि तबियत खराब है, बैठक हो रहा है, कहा किसी का तबियत खराब है, क्यों तबियत खराब है, सब बुलंद रही है, समझ गया ना, कहते हैं ना अरे हटके राजस्थान में जरा साथ में देख रहा था ठीक रहेगा ना जी, ठीक रही है, बुलंद रही है साथ। तो सब लोग काम कीजिए आप पूरी मजबूती के साथ सब कुछ को करने के लिए जो बात हो रहा। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, देखिए बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, कई तरह का उद्घाटन हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि बेगूसराय और बक्सर के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का आज शिलान्यास किया हुआ, निर्णय तो हम लोग पहले से लिए हुए, लेकिन कभी कभी जमीन वगैरह का इतना झंझट होता है तो खैर चलिए वो सब हो गया, ये दोनों का भी शुरू हो गया। और एक हम और बता देते हैं, भोजपुर वाला भी हम लोग तय किए, लेकिन भोजपुर वाले ने जो तय किया कि उसका हम लोग भोजपुर जिले का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही एक कैंपस को हम लोगों ने तय किया, उसके लिए जगह नहीं मिल रहा था कि आराम में कौन मिलेगा कहीं और की बात हम बार बार कह रहे थे कि जब हम लोग भोजपुर में बना रहे हैं तो कम से कम ये अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ये होना ही चाहिए। तो उसने फिर वहीं देखा कि यही अच्छी जगह है, और जो वहां पर जो बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जगह थी उसको दूसरी जगह हम लोगों ने और जगह दे दिया, ये कोइलवर के मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान के जमीन में दे दिया गया, कुछ और अन्य जगहों पर भी दिया गया। कि हमको अभी हाल में पता चला, जब इनका रिपोर्ट दो का आया तब हमको पता चला कि आखिर वहां वाला क्यों नहीं हो रहा है, भोजपुर वाला, तो पता चला कि भाई वहां के जो जो है वहां से दिक्कत किए हुए था। तो अब उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों दिक्कत किया हुआ है, वीर कुंवर सिंह जैसे क्या है ऐसा किए हुए है, तो गलत बात है। तो अभी हाल ही में हम गए हुए थे, राज्यपाल महोदय दूसरे चीज पर बात हो रही थी, तो हमको जैसे ही मालूम हुआ हमने कहा कि जरा हमने उनसे बात करी, उनको भी हमने कहा कि ये क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा तो बात गलत है। तो हमने कहा कि देखिए बात करी, तो अगले ही दिन उन्होंने भी सबको बुला लिया और कहा कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो जमीन तय हो गया है तो उसी पर होना चाहिए। तो उस बात हो गया, अब आप समझिए कि हम तो आग्रह करेंगे कि आरा वाला भी अब तुरंत काम शुरू करा दिए, बहुत दिन लग गया है, बहुत देर हो गया, इसलिए उसका भी अब उसके लिए जो हमको जैसे ही पता चला कि दो का तो मिल गया, तीसरा का जमीन क्यों नहीं अभी तक हुआ, तब वो भी हो गया, तब उसके लिए सब बात हो गया है। तो जो हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा था, तो जैसा हमने आपको बताया कि तुरंत वो बात की है, यही दिन सबको बुलाए बचाए, तो कोई पहले का वीसी किए हुए था, अब बाद में जो नया वाले को नहीं पता, तो ये सब करके तुरंत सब कुछ हो गया, तब वहां पर होगा। तो समझ लीजिए कि ये तीनों का होगा। अब इसके अलावे तो अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने तय किया है, लेकिन कम से कम ये तीनों जगह का जो कर दिया गया है ये सबका शुरू हो जाएगा, और बहुत खुशी की बात है आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया आपने, तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए। और जो डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है इसका बहुत लाभ होने वाला, अभी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, कितना बढ़िया से लाभ होगा भाई, किसी के ट्रीटमेंट में कोई घर ही पर है, कोई नीचे इधर ही है, बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट लोग बड़े डॉक्टर्स देख लेंगे और उसको देख करके और एक एक चीज के बारे में वो सुझाव दे देंगे, कहाँ पर उनको भर्ती होना है, कोई आदमी कहाँ जाएगा, तो उसके लिए सब तरह का इंतजाम करना है, हर तरह की सुविधा होगी। तो इसलिए जानबूझ करके हम लोगों ने शुरू किया, ये काम इसके बारे में जो डिपार्टमेंट विचार विमर्श करके ही ये हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए हम लोग डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत करें। ताज आप लोगों ने इसकी भी शुरुआत कर ली है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसका लाभ बहुत होगा लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आप सब लोगों को इन सब चीजों का फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस तरह से और देखिए तो इनको काम हो ही रहा है, और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग तो बड़ी तेजी से, और कुछ संख्या के बारे में भी बता दिया गया, ये सब तो किया जा रहा है,
और अब आपको मालूम है ना भाई कि अब कितने जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कर दिया है। तो अब तो ठीक ही है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब तो ये भी कर दिया कि अब सभी जगह पर हर जिले में भी करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोग सभी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि पहले ही से कितना काम हम लोगों ने शुरू किया, लोगों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ किया। यानी सबसे पहले 2006 में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण करवाना शुरू किया गया और सातों दिन तक 24 घंटे क्रियाशील रखने का सिलसिला शुरू किया गया। और उसी में हमने कर दिया था कि हर हॉस्पिटल में लैंडलाइन टेलीफोन। अब टेलीफोन हम काहे लगवाए थे, इसीलिए कि आप यहां से भी फोन, आपको मालूम है और डिपार्टमेंट से अभी यहां पर हमारे मौजूद हैं जिनके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी, दीपक कुमार जी, तो इस समय यही चर्चा करे थे। तो कहवाया है कि भाई सब जगह लगवा दीजिए, आप फोन से पूछिए कि डॉक्टर साहब और बाकी लोग हैं कि नहीं हॉस्पिटल वाले, तो फोन ही से पूछा जाता था। और जानते हैं मेरे कार्यालय से भी 40-50 फोन रोज फोन करके देखता कि भाई फोन कर गया, बीच में तो छटपट कर दिया था, फोन को इधर उधर किया था। तो फिर हमने कहा कि नहीं फोन करिए, खैर अब तो और नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, अब तो और सब कुछ काट दिए। लेकिन जब जितना है ना भाई ये टेलीफोन वाला लैंडलाइन टेलीफोन जरूर रखिएगा, उससे भी पूरा का पूरा पता चलता रहेगा। तो ये सब हम लोगों ने शुरू से काम करा दिया और कितना ज्यादा सब लोगों को जो देना शुरू किया गया, हम लोगों ने सबको दवा देना शुरू किया था, सब कुछ किया गया था। और इसका हम लोगों ने शुरुआत 2006 में करा दिया था यहीं पर न्यू गार्डनर रोड अस्पताल जो है यहाँ पर, और हमने आमंत्रित किया था उस समय के उपराष्ट्रपति महोदय को भैरव सिंह शेखावत जी को आमंत्रित किया था कि आइए आप ही से हम इसका शुरुआत करा दें, इसका शुरुआत करा दें। और बताइए उस समय तो और ज्यादा जितने ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है सब मेडिसिन देने के लिए। और हम जब भी समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि भाई हम लोग तो दे रहे हैं दवा, तो दवा मरीजों को मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरे तौर पर मरीजों को मिलना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो सब लोग मौजूद, सब लोगों से यही आग्रह करेंगे, जब भी मीटिंग होता है तभी बात को कहते हैं कि भाई जितना हम लोग सरकार की तरफ से दवा उपलब्ध कराए हैं तो निश्चित रूप से हर मरीज को दवा मिलना चाहिए अस्पताल में, तो वो चीज को जरूर देखना चाहिए। तो हम लोगों ने सबको शुरू जो करवा दिया था, तो एक एक काम जो हम लोगों ने शुरू कराया है तो आप सबको तो पता ही है कि कितना ज्यादा सब कुछ काम किया गया, एक एक चीज को काम किया गया, आप समझ जाते हैं। और इसके बाद जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो 6 बेड रहता था उसमें, अब उसी को हम लोगों ने तय किया कि 30 रहेगा। तो उसी के लिए जो काम हो गया है, तो अभी तक तो खैर जब हुआ कि 434 PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो अभी तक 261 का निर्माण हो चुका और 15 निर्माण कार्य जारी है और 117 का भी निवादित प्रक्रिया है और 41 का भी शीघ्र स्वीकृति बात हो गई है, जल्दी से जल्दी सब लोगों का पूरा कर दिया जाएगा। तो हर तरह से पूरे तौर पर सब जगह से किया जाएगा। तो इसके लिए और एक तरफ तो आप जानते ही है कि अभी हाल ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कितना काम करवाया गया कि कोई कोई खास काम, जो बिहार और झारखंड अलग हो गया था तो बिहार झारखंड में कोई चीज झारखंड वाला साइड में था, तो कहीं से बिहार में नहीं था। तो हम लोगों ने एक एक चीज को देख करके फिर करवाया कि वो भी होना चाहिए। आपको मालूम है हड्डी के लिए तो यहां पर तो हम लोगों ने करवा दिया पटना के राजवंशी नगर अस्पताल, जिसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, और वहां पर अब कितना ज्यादा इसका ट्रीटमेंट हो गया हड्डी का। और आंख के लिए राजेंद्र नगर पटना में जो है उसको कर दिया, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में कर दिया गया। तो ये सब किया गया, लेकिन हम इनको बराबर कहते हैं कि न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में डायबिटीज की सुविधा के लिए, इलाज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं तो इनका देर हो रहा है, लेकिन जितना बार मीटिंग होता हर बार हम कहते हैं भाई डायबिटीज वाला भी तो तेजी से करवा दीजिए ना,
बहुत एडवांस है, तो जल्दी से जल्दी वो भी करवा दीजिए, क्योंकि तो शुरुआत से हम लोगों ने किया है, तो डायबिटीज वाला भी ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ। तो अभी पिछली बार भी हम कहे थे तो जरा तेजी से एकाध दिन उप मुख्यमंत्री जी को और हम दोनों को ले चले, कितना देर हो रहा है, देरी कर रहा है, एक एक चीज को जरा दिखवा दीजिए तो जरा और तेजी से काम हो जाए। आप जानते हैं जगह कितना बढ़ रहा है, आप सोचिए ना भैया कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब एमएलए थे तब बगले में लगाते थे जी, अब तो नया नया बिल्डिंग बनवा ही रहे, तो बगल वाला अस्पताल और वहीं से ना हम लोग शुरू कराए, हर एक दवा उपलब्ध जो कराया तो वहीं से ना शुरू कराया। कितना बढ़िया है, एकदम सड़क के पास है, तो उसको और खूब ठीक ढंग से और उसको बेहतर बना दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। और इस तरह से एक एक चीज हो रहा है। अब आप जान रहे हैं ना भाई, और 13 के बाद जो हम लोगों ने कर दिया, तब कितना ज्यादा काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आपको मालूम है ना कि सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन का जांच और किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई है 13 के बाद से। ये सब तो बहुत तरह का काम किया गया है। और जो पटना में IGIMS है उसमें आई बैंक और आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। तो हर तरह से ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं और अभी तो बहुत आगे करना है। और आपको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने किया है, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज का भी स्थापना करना है, बहुत जगह हो गया है, यानी 8 तो पहले से उपलब्ध था, तो बाकी 16 का काम चल रहा, 5 हो गया है। और GNM स्कूल हर एक जिले में, तो वो भी बहुत हद तक हो गया है। और इसके बाद प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान, और उसी तरह से 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना, और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल। तो ये सब चीज के लिए जो काम चल रहा है, तो कितनी सुविधाएं लोगों को होगी, हर प्रकार से इसे और भी ज्यादा जो भी कर दिया गया है, तो और आगे भी सारा काम जो करा दिया गया है। और अभी आप लोगों को बता दिया गया कि अब मेडिकल कॉलेज जितना था, अब उससे ज्यादा तो हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए निर्णय कर दिया है कि मैंने पहले मान लिए सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3 तो हम लोगों ने जो बना दिया वो कार्यरत है, वो हो गया, और बाकी जो एक जो बन गया यहाँ पर एम्स का, वो तो निर्णय हो ही गया था उस समय, तो भी एम्स बन गया पूरे तौर पर। अब बराबर हम लोग जाकर के एम्स के निर्माण को देखते थे कि हो जाए, और IGIMS पहले कुछ बना था वो बंद ही था एक तरह से, उसको फिर हम लोगों ने काफी ठीक कर दिया, तो IGIMS भी हो गया। तो इस प्रकार से और 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी, एगो तो पावापुरी में उनका तो नामकरण हम कर दिए हैं कि महावीर के नाम पर दे दिए हैं, क्योंकि वही ना उनका जगह है, वहां पर तो रखे ही हैं, जगह ही हम चुने थे कि हम लोग जो पावापुरी में करेंगे तो भगवान महावीर का अंतिम रूप तो वही ना हुआ था संस्कार, इसलिए उसका नाम ही हम दे दिए हैं महावीर, कॉलेज का ही नाम महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। और फिर बेतिया में बना है, मधेपुरा में तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नामकरण कर दिए हैं, ये हो गया है। तो ये सब तो काम है, लेकिन इधर जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं खबर आ रही है। पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हम लोग खोल रहे हैं तो वहां पर जरा डॉक्टर लोग कम रहने लगे हैं क्या? हम तो सबसे कहेंगे भाई यार डॉक्टर पढ़ते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो रही है तो मेडिकल कॉलेज का काम नहीं दीजिएगा, काम नहीं करिएगा, तो ये तो बड़ी खराब बात होगी। अभी हाल ही में तो जनता दरबार में आकर के हमको जो हम लोगों ने बनाया है कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, वहां कहा क्यों नहीं, तो तुरंत हमने इन लोगों को कहा कि भाई जरा देखिए जल्दी से जल्दी सब जगह हो। और इतना जब हम लोग और मेडिकल कॉलेज बताइए, जब सब जिला में बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और कई जगह तो निर्माणाधीन है, अभी तो 3 का हो ही गया है, लेकिन 3 जगह का तो हम लोगों ने और कर दिया है। आप समझ लीजिए मुंगेर का, मोतिहारी का और सुपौल का, उसके बारे में निर्णय ले लिया जा चुका, तो भी है। और 8 जगह पर
केंद्र के सहयोग से 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा, उसमें केंद्र का सहयोग करीब है 150 से लेकर के 180 करोड़ तक का, लेकिन राज्य सरकार को 350 करोड़ और उससे भी ज़्यादा उन 8 जगहों पर भी लगेगा। तो थोड़ा सा जो मदद है 1/3 से भी कम ही का मदद है केंद्र सरकार का, लेकिन कहलाता है केंद्रीय। अब केंद्रीय कहलाता है भाई, तो समूचा पैसा ना केंद्र सरकार को देना चाहिए, केंद्र कहलाता है तब तो। ये सब बातचीत विचित्र है, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। कुछ ही भले ही मैदान 8 जगह का है, छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बक्सर, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी और सिवान, तो ये सब जो भी हो वो भी बन जाएगा। और बाकी जितना जगह बच रहा है ना, बाकी सब जिला में भी हम लोग भाई राज्य सरकार की तरफ से भी आगे भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वहां पर बनवाएंगे। तो ये सब हम लोग जो सोच रहे हैं, तो उसमें आप जान रहे हैं आज तो आप लोगों को जितना बहाली हो रहा है और बता रहे हैं कि इसकी आगे और बहाली होने वाली है। तो जब ये सब बन जाएगा तो आप कल्पना करिए कि और कितनी ज्यादा बहाली होगी और कितना ज्यादा सब लोगों का ट्रीटमेंट और एक एक चीज को लोग देखेंगे, हर तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो इसे सब लोग मिलकर के, कोई भी हो, गरीब से गरीब लोगों का भी, और जब ठीक से लोगों का इलाज हो जाएगा और स्वस्थ रहेंगे तो यही ना सबसे अच्छी चीज है भाई। कोई अस्वस्थ रहे और बीमारी से कोई कम से कम हो, अरे दुर्घटना तो होती है, उसको क्या कहें, कुछ ना कुछ तो दुर्घटना होती है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं कभी कभी बीमारी के कारण, वो तो अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सब तरह का इंतजाम हम लोगों को करना है, कि ये सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो हर तरह से, और आप जान ही न रहे भाई, हम लोगों को तो था ना पीएमसीएच को क्या करवा रहा है, ये तो दुनिया में एक खास होगा, 5,462 बेड का हॉस्पिटल पीएमसीएच को कन्वर्ट करना है। जब देश में बहुत कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था पूरे देश में आजादी के पहले, तभी पीएमसीएच बना था। तो इस पीएमसीएच को सबसे ज्यादा विकसित करना, और उसके लिए काम शुरू हो गया है, 3 फेज में पूरा काम शुरू हो जाएगा और इतने ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट होना शुरू होगा। तो ये सब भी हम लोग कर दिए हैं, बाकी जगह पर भी सबका करवा रहे हैं। तो ये सब तो कर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबका ठीक ढंग से इलाज हो। तो कभी कभी तो होते ना रहता भाई, कोरोना चला तो दुनिया भर में कोरोना चला, अब आजकल फिर न्यूज आ रहा है कि फिर एक राउंड कोरोना आएगा। तो आजकल तो हम लोग सब छोड़ दिए हैं, पाकेटे में मास्क है, देखिए हम पाकेटे में रख रहे हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि फिर लगता है मास्क पहनवाना पड़ेगा। अभी तक कम है, लेकिन फिर जो आ गया है कि सब जगह फिर नया मुश्किल पड़ने वाला, तो ध्यान रखना है। अन्य कई बीमारियों का भी, एक एक चीज का भी ख्याल हो रहा है, तो एक अलग बात है, लेकिन हर तरह का ट्रीटमेंट का और लोगों को स्वस्थ रहने का इंतजाम, और सबके पढ़ने लिखने का इंतजाम, विकास का काम, सब लोग विकसित हों। अब बिहार को हम लोग तो इतना ज्यादा अपने बल पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी संभव है इसको और आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन हमारे प्रेस वाले लोग तो मौजूद हैं, उनका तो हम बराबर नमन करते हैं, हम लोगों का बतवा देख आधे बार में थोड़ा सा छाप देते हैं, लेकिन बतवा तो घर का ना छपता है, जो कुछ करते नहीं है लोग उनका प्रचार होता। तो कम से कम पुराना चिजवा को जितना काम बिहार में हो गया है और जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ, आप पहले भूल मत जाइए क्या हाल था। पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, आसाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो काम हुआ है
कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ये कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया, तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी और नई पीढ़ी को भी जानकारी रहेगी कितना बढ़ा। आज देखिए कितनी महिलाएं यहां पर, लड़कियां मौजूद हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, अब पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहां तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अब यह हालत हम लोग पहुंचा दी, तो हर तरह से हो रहा, सब आगे बढ़े। तो हम लोगों का उद्देश्य तो यही है कि आप सब लोगों का भाई पत्रकार मित्रों मेरे खिलाफ जो बोलता है अंडमान बयान, वो छापी कोई दिक्कत नहीं, जिसको अनाप शनाप बोलना है बोलकर दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं, वो सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बिहार का जो विकास हुआ है, अब बिहार के लिए जो तरह तरह का काम किया गया है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके पुराने समय से लेकर के अब जितना जितना काम हुआ उसका भी थोड़ा चर्चा करते रहिएगा। आप भी रहने वाले बिहार के हैं तो जरा सा बिहार का भी ख्याल करिएगा। आप कितना बड़ा बड़ा केंद्र में रहता, बिहार का लोग कितना ज्यादा बड़ा बड़ा पत्रकार, तो हम उनों से भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ जितना बुलवाना है बुलवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार का विकास हुआ है उसकी चर्चा जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम मत लीजिएगा, बिहार का ही नाम लीजिए और कहिए बिहार का इतना विकास हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। तो इसलिए इतना आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, और आज जो इतना ज्यादा हो गया, अब आप सब लोगों को नियुक्ति हो गई, मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप लोग खूब जम करके काम कीजिएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब तत्काल रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और पूरे विभाग को भी हम बधाई देता हूं, ये सब काम आपका बहुत अच्छा है, और इसी तरह से आगे का भी जो आपने अभी ऐलान किया है और तेजी से इस काम को किया जाएगा, बड़ी खुशी की बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।